हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू शानू गुटन सी एस इन दिस वीडियो वी विल सी एमडल्स लॉ व्हिच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन पैरेलल प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटिंग सो इट इज़ वन ऑफ द स्पीडअप परफॉर्मेंस लॉ सो एमडल्स लॉ क्या होता है इसे समझने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं सपोज थ्री गर्ल्स हैं वन इज़ रिया वन इज सानिया एंड अनदर इज सीमा एंड तीनों को बोला गया है कि आपको शाप सेवन ओ पे पार्टी पे पहुंचना है सो so, रिया आती है कार से सान्या आती है बस से और सीमा आती है बाई वॉकिंग so, से रिया तो पहुंच जाएगी टाइम पे सान्या भी पहुंच जाएगी टाइम पे बट सीमा टाइम पे नहीं पहुंच पाएगी और दोनों को उसका वेट करना पड़ेगा तो सीमा के कारण दोनों के पहुंचने के बाद भी सेवन ओ जो उनका डेडलाइन था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ठीक है अब यही कंसेप्ट है एनुलल्स लॉ में इट मीन्स यही चीज़ होती है सिस्टम्स के साथ कि सिस्टम्स में अगर हम कोई ऐसा कंपटीशन सीरियल प्रोसेसर में कर रहे हैं और वही चीज़ को अगर हम पैरल प्रोसेस में करते हैं तो ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ स्पीडअप मिलेगा ठीक है हमें कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट मिलेगा तो एमुल्स लॉ गवर्न करता है अबाउट द स्पीड अप ऑफ यूजिंग पैरल प्रोसेस ऑन अ प्रॉब्लम वर्स यूजिंग ओनली वन सीरियल प्रोसेसर Under the assumption that the problem size remains the same when parallelized, तो अगर किसी problem को एक fixed problem को हम single processor में करते हैं और उससे हमें पता है कि उतना performance नहीं मिलेगा और उसी चीज़ को जब हम parallel में करते हैं तो हमें कितना speed up मिल रहा है कितना हमें hike मिल रहा है स्पीड में तो इस law को govern करता है Amdahl's law, ये कुछ relationships बताता है जिसके through स्पीडअप के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कितने टाइम्स फास्टर हो गया है स्पीडअप ठीक है तो इसे और डिटेल में हम समझेंगे इसे समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज स्पीड अप ठीक है स्पीड अप स्पीड वर्ड से ही आया है और स्पीड हमें पता है क्या होती है ओके okay, तो स्पीड अप भी एक क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स है परफॉर्मेंस का अगर हमें मेजर करना है परफॉर्मेंस मेजर करना है कंपेयर टू सिंगल प्रोसेस एंड पैरल प्रोसेस तो हमें स्पीड अप मैट्रिक को यूज़ करना पड़ता है तो ये क्या डिफाइन करता है डिफाइंस बेनिफिट्स ऑफ रनिंग अ प्रोग्राम इन पैलल ठीक है तो स्पीडअप एक रेशियो है किसका रेशियो है अगर किसी प्रोसेस को आप सिंगल प्रोसेसर में एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है डिवाइडेड बाई उसी प्रोसेस को अगर आप मल्टीपल प्रोसेस में पैलल एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है तो ये दोनों के रेशियो को हम कहते हैं स्पीड अप ओके सो स्पीड अप इज द रेशियो ऑफ द टाइम इट टेक्स टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम इन सीरियल विथ वन प्रोसेसर To the time it takes to execute in parallel with many processes, so this we can define S formula. So S of n, this is a speed up. So T one is a time taken to execute a program in single processor, serially. Okay, and T of n is a time taken to execute a program using n number of processes, parallelly. सो so एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम लें सपोज एक सिंगल uh, प्रोसेसर में अगर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में एक सेकेंड लग रहा है अगर उसी प्रोग्राम को हम दो प्रोसेस में पैलली एग्जीक्यूट करते हैं ठीक है मीन्स हमारी एन इक्वल्स टू अगर टू है नंबर ऑफ प्रोसेस हम टू लेते हैं तो उस प्रोग्राम को कितना टाइम लगेगा अगर टी ऑफ टू है मीन्स एन इक्वल्स टू टू देन वन बाई एन हो जाता है वन बाई टू हो जाएगा ओके okay? बिकॉज हम दो प्रोसेस में पहले एग्जीक्यूट करेंगे मीन्स वन बाई टू अगर तीन प्रोसेस में करते तो वन बाई थ्री अगर फोर प्रोसेस में डिवाइड करते तो वन बाई फोर ठीक है इस तरीके से अगर एन नंबर ऑफ प्रोसेस में हम आ, प्रोग्राम को डिवाइड करते तो वो वन बाई एन हो जाता सो so, हमारा क्या आ रहा है सर पॉइंट फाइव इट मीन्स पहले एक सेकेंड लग रहा था एक प्रोसेसर में अब अगर हम दो प्रोसेस में पहले पहले एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो उसे करने में पॉइंट फाइव सेकेंड लग रहे हैं मीन्स जस्ट स्पीड आपकी इंक्रीज हो गई है ठीक है तो अब ये स्पीड कितनी इंक्रीज हुई है ठीक है आपको कम टाइम लग रहा है ना सो so ये स्पीड अप के थ्रू हम निकालते हैं कि कितना स्पीड इंक्रीज हो गया कितने टाइम्स फास्टर हो गया तो तो ऑफ फैन अगर हम डिफाइन करें सो ऑफ फैन हमने अभी देखा टी ऑफ वन डिवाइडेड बाई टी ऑफ एन मीन्स सिंगल प्रोसेसर में जितना टाइम लग रहा है दैट इज़ वन डिवाइडेड बाई दो प्रोसेसर में जितना टाइम लग रहा है दैट इज़ पॉइंट फाइव सो अगर हम वन बाई पॉइंट फाइव करते हैं देन इट इज़ इक्वल्स टू टू इट मीन्स स्पीडअप इंक्रीजेज बाय टू टाइम्स ठीक है तो कितने टाइम्स स्पीडअप हो गया है पहले एक प्रोसेसर से वन सेकेंड था दो प्रोसेसर से पॉइंट फाइव मीन्स आधा हो गया तो कितना हो गया डबल हो गया स्पीड अप आपका सो यही स्पीड अप है जिसे हमें आगे एंडल लॉ में एक्सप्लेन कर रहा है सो so, यही है स्पीडअप अब इसे हम एंडल स्लॉ में कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे नव एंडल स्लॉ एंडल स्लॉ इट इज वन ऑफ द स्पीड अप परफॉर्मेंस लॉ ठीक है स्पीड अप का परफॉर्मेंस देखने के लिए हम इस लॉ का यूज करते हैं सो so, अब इसमें आते हैं ये क्या होता है सो वी कैन डिफाइन द पोटेंशियल स्पीड अप ऑफ एन एलगोर्थम ऑन पैरल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म इज गिवन बाई एमडल्स लॉ ठीक है पैरल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म में हम कैसे मेजर करते हैं परफॉर्मेंस कैसे बताएंगे कि अगर किसी प्रोग्राम को सिंगल प्रोसेसर में कर रहे हैं और अगर हम उसे पैरल प्रोसेसर में करते हैं तो वो कितना स्पीड अप हुआ है तो इस लॉ को डिफ़ाइन करता है एमडल्स लॉ तो ये बताता है कि कितना पोटेंशियल स्पीड अप हुआ है ठीक है पैरल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करके सो so, और इसे फॉर्मुलेट किसने किया था जेनी एमडल्स ने ये कंप्यूटर आर्किटेक्ट है आई की ही और 1960 में इसने प्रपोज किया था सो ड मेन इंपॉर्टेंट जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है दैट इट इज़ वन ऑफ द स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस लॉ एंड सेकेंड वन ये फिक्सड प्रॉब्लम साइज पे वर्क करता है ठीक है फिक्स वर्कलोड पर वर्क करता है मीन्स सपोज हमने एक फिक्स्ड प्रॉब्लम साइज लिया है मीन्स एक प्रॉब्लम जिसकी साइज सिंगल प्रोसेसर में भी वही ले रहे हैं और वही प्रॉब्लम हम सेम साइज का पैनल कंप्यूटर में भी परफॉर्म कर रहे हैं तभी हम एक फेयर कंपैरिजन और फेयर परफॉर्मेंस मेजर निकाल सकते हैं सो इट इज़ बेस्ड ऑन फिक्स्ड प्रॉब्लम साइज और फिक्सड वर्कलोड ना होता क्या है अगर हमें एक uh, इफ़िशेंसी को फिक्स रखना है ठीक है uh, तो हम क्या करते हैं हम नंबर ऑफ प्रोसेस भी बढ़ाते जाते हैं एंड प्रॉब्लम की साइज भी बढ़ाते जाते हैं ठीक है सो उसे होगा क्या स्पीडअप भी बढ़ता जाएगा मीन्स अगर हमने uh, दो प्रोसेस में परफॉर्म किया सेम प्रॉब्लम को के बाद तीन प्रोसेस परफॉर्म किया उससे ज़्यादा प्रॉब्लम को देन पांच प्रोसेस परफॉर्म किया उससे ज़्यादा साइज की प्रॉब्लम को तो इससे क्या स्पीडअप बढ़ता जाएगा ठीक है बट अगर हम ये करें कि प्रॉब्लम साइज हमारा फिक्सड है बट हम नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ाए जा रहे हैं ठीक है तो बेसिकली क्या होता है अगर हम नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ा रहे हैं एक ही प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो दो प्रोसेस में सॉल्व कर रहे हो तो आपका स्पीड ऑफ थोड़ा बढ़ेगा देन तीन प्रोसेस में सॉल्व करोगे देन आपका स्पीड ऑफ और बढ़ेगा देन चार प्रोसेस में सॉल्व करोगे देन आपका स्पीड ऑफ और बढ़ेगा ऐसा आइडियली होना चाहिए ठीक है बट ऐसा आइडियली नहीं होता है ठीक है तो अगर आप नंबर ऑफ प्रोसेस को बढ़ा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम का साइज भी बढ़ाते रहना पड़ेगा तब आपका एक्सपोनशली जो ग्राफ है स्पीड ऑफ का बढ़ता जाता है बट यहाँ क्या होता है बेसिक जो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स uh, में जो देखा गया है कि अगर हम नंबर ऑफ प्रोसेस इंक्रीज कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हमने फिक्स्ड प्रॉब्लम साइज लिया है प्रॉब्लम की साइज फिक्स्ड है बट नंबर ऑफ प्रोसेस आप बढ़ाते जा रहे हैं मीन्स उसी प्रॉब्लम को आप दो प्रोसेसर में करें तीन प्रोसेसर में करें चार प्रोसेसर में करें पाँच प्रोसेसर में करें तो हर बार ये स्पीड बढ़ता जाएगा जरूरी नहीं है एक लिमिट आएगी जहाँ पर आके उससे ज़्यादा स्पीड अप पॉसिबल नहीं हो पाएगा ठीक है मैक्सिमम स्पीडअप आपको एक पॉइंट पे आके मिल जाएगा मीन सपोज सिक्स प्रोसेसर तक आप उसकी स्पीडअप बढ़ गई बट जैसे सेवन प्रोसेसर की है तो वो आइडियल हो गया उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होगा वो एज इट इज स्टेग्नेट हो जाएगा ओके okay? तो यही एमडल्स लॉ बताता है एक्चुअली टू कीप द इफिशियंसी ऑफ द सिस्टम फिक्स्ड वी हैव टू इंक्रीज बोथ द साइज ऑफ द प्रॉब्लम एंड द नंबर ऑफ प्रोसेसर साइमल्टेनियसली ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होता है और हम बात करें फिक्सड प्रॉब्लम साइज की तो एमडल्स लॉ क्या कहता है जो गिवन प्रॉब्लम साइज़ के लिए एक गिवन प्रॉब्लम साइज है उसके लिए स्पीड अप जो होता है वो लीनियरली नहीं बढ़ता है अगर हम नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ाते जाते हैं तो स्पीड अप नहीं बढ़ता है इनफैक्ट क्या होता है स्पीड अप टेंस टू बिकम सैचुरेटेड एक जब एक प्लेस पे आके स्पीड अप भी सैचुरेट हो जाता है और उससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता है ओके okay? अब ये क्यों होता है ये इसलिए होता है बिकॉज हमारा जो एक कंपिटिशनल प्रॉब्लम होता है वो दो पार्ट से मिलके बना होता है एक होता है सीरियल पार्ट एक होता है पैरल पार्ट सीरियल पार्ट उसे कहते हैं जहाँ पे इंस्ट्रक्शन सीरियली वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं उसे हम पैरलली चाह के भी नहीं कर पाते और पैरल पार्ट वो होता है जिसे हम चाहें तो पैरलली एग्जीक्यूट कर लेते हैं ठीक है सीरियल पार्ट जैसे कि हमारे प्रोग्राम्स में अरेज होता है जो कि वन बाई वन ही एग्जीक्यूट होगा लिंक लिस्ट होता है वन बाई वन ही एग्जीक्यूट होगा ठीक है एंड ट्री स्ट्रक्चर ग्राफ स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो ये पैरल पार्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं उसे हम पैरली पे परफॉर्म कर सकते हैं मल्टीपल uh, चाइल्ड्स को आप सेम टाइप ट्रवर्स कर सकते हो ये दो चीजें आती हैं अब इसकी वजह से क्या होता है क्योंकि हम पूरे प्रोग्राम को तो पैरलि नहीं परफॉर्म कर सकते तो हमारा सीरियल पोर्शन जो होता है ना हमें रोकता है परफॉर्मेंस और बढ़ाने से ठीक है तो यही एमडल्स लॉ बताता है कि एमडल्स लॉ स्टेट्स दैट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम विच कैन नॉट बी पैरलाइज मतलब जो कि सीरियल पार्ट है ठीक है ऐसा पोर्शन जो कि पैरलाइज नहीं हो सकता जिसे नहीं नहीं कर सकते, तो इसकी से क्या होता है जो ओवरऑल अप मिलता है वो आके एक लिमिट तक आके रुक जाता है सैचुरेट हो जाता है ओके okay, तो यही हमने उस एग्जाम्पल से भी देखा था रिया सानिया एंड सीमा वाले एग्जाम्पल से सीमा की वजह से उन लोगों का एक लिमिट में आके रुकना पड़ गया था उनको वेट करना पड़ गया था ठीक है सो अब टिपिकली मैंने बताया कि मैथमेटिकल और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जो होते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं जिसे हम पैरलाइजेबल पार्ट्स कहते हैं जो पैरली एग्जीक्यूट होते हैं और जो सीरियली एग्जीक्यूट होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं नॉन पैरलाइजेबल पार्ट्स ठीक है तो अब हमें ये देखना है कि इसके थ्रू हम कैसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं जो एम्स नॉ ने बताया है कि सीरियल पार्ट की वजह से कैसे सैचुरेट हो जाता है परफॉर्मेंस एक जगह पे आके उ द स्पीड अप ऑफ अ प्रोग्राम यूजिंग मल्टीपल प्रोसेस इन पैरल कंप्यूटिंग इज लिमिटेड बाई द टाइम नीडेड फॉर सिक्वेंशियल फ्रैक्शन ऑफ द प्रोग्राम सो वही मैंने बताया जो स्पीड अप है एक पॉइंट पे आके पैरल प्रोसेसिंग अगर हम यूज भी कर रहे हैं तो भी एक पॉइंट पे आके लिमिटेड हो जाता है बिकॉज हर प्रोग्राम में कुछ ना एक ऐसा पोर्शन होता है जिसे हमें सिक्वेंशली ही एग्जीक्यूट करना पड़ता है और उसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ वेट करना ही पड़ता है और हमें स्पीड अप को आ, और ज़्यादा हम बढ़ा नहीं सकते तो ये ग्राफ बता रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सएक्सेस में नंबर ऑफ़ प्रोसेस है एंड वाई एक्सेस पर स्पीडअप बता रहा है ठीक है तो आइडियली हम क्या सोचते हैं अगर हम नंबर ऑफ़ प्रोसेस बढ़ा रहे हैं तो हमारा स्पीडअप तो बढ़ना चाहिए ठीक है एक्सपोनेंशियल आना चाहिए सीधे एक स्ट्रेट लाइन बट ऐसा नहीं हो रहा है जो सीरियल पोर्शन होता है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर हम नंबर ऑफ़ प्रोसेस सपोज़ धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं अब यहाँ वन हुआ टू हुआ फोर हुआ एट हो गया और सिक्सटीन हुआ जैसे सिक्सटीन आया तो यहाँ स्पीडअप क्या हो गया सैचुरेट हो गया अब इससे ज़्यादा स्पीड नहीं मिल रही है चाहे हम कितने नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ाते जाए ठीक है ठीक ये बता रहा अगर हमारा फिफ्टी परसेंट पैरल पोर्शन है और फिफ्टी परसेंट सीरियल पोर्शन है उस केस में क्या हो रहा है वन से सिक्सटीन तक स्पीड अप हो रहा है और सिक्सटीन से ज़्यादा अगर हम प्रोसेस बढ़ाते हैं तो वो सैचुरेट हो जाता है ठीक है अब सपोज हमारा सेवेंटी फाइव परसेंट जो पोर्शन है वो पैरल है उस टाइम पे क्या हो रहा है यहाँ पे धीरे धीरे स्पीड अप हो रहा है स्पीड अप हो रहा है ठीक है 64 एंड 128 तक स्पीड अप हुआ है 128 ट्वेंटी एट पर आके ये सैचुरेट हो गया है ठीक है बिकॉज जो 30 परसेंट सीरियल पोर्शन है उसकी वजह से और ज़्यादा स्पीड अप इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा एक लिमिट तक ही आप आ सकते हैं नेक्स्ट अगर नाइन्टी परसेंट है तो नाइन्टी परसेंट में देखिए अगेन ये इस तरीके से इंक्रीज हुआ है और एक जगह आके सैचुरेट हो गया है सिमिलरली नाइन्टी फाइव परसेंट भी अगर पैरल पोर्शन है और फाइव परसेंट भी अगर सीरियल रहा तो ये नाइन्टी फाइव वाला पैरल पोर्शन की वजह से स्पीडअप तो अच्छा मिल गया है ठीक है नंबर ऑफ प्रोसेस हमने बढ़ाते गए बढ़ाते गए फोर जीरो नाइन सिक्स तक बढ़ा है स्पीडअप और उसके बाद अगेन जो फाइव परसेंट जो सिक्वेंशल पोर्शन है उसकी वजह से ये यहाँ के सैचरेट हो गया ठीक है ठीके? तो ये एक ग्राफ है जिसे हम एग्ज़ाम्स में अगर आता है तो इसे ज़रूर बनाएं नाउ एंड लॉ को हम मैथमेटिकली स्टेट कर सकते हैं सपोज एफ बी द फ्रैक्शन ऑफ द ऑपरेशन इन अ कंपटिशन दैट मस्ट बी परफॉर्म सिक्वेंशली मीन्स एफ को हम इंडिकेट कर रहे हैं सीरियल सेक्शन जो होता है जिसे हमें सिक्वेंशली एग्जीक्यूट करना है उससे ठीक है और एफ की वैल्यू जीरो और वन के बीच में ही रहेगी ठीक है और हम ये भी बता दें कि स्पीडअप की वैल्यू वन से ज्यादा नहीं जाती है वन के इक्वल या उससे देन ही होती है हमेशा तो इसलिए हमने एफ की वैल्यू भी यहां पे जीरो और वन के बीच में ली है तो अब हमें अगर ये बताना है कि मैक्सिमम स्पीडअप कितना अचीव कर सकते हैं अगर हम पैरल कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं विथ एन नंबर ऑफ प्रोसेस ठीक है सो मैक्सिम स्पीडअप कैन बी गिवन बाई एस ऑफ एन एंड और ये ये जो जो दिख रहा है, by, ये F जो दिख रहा part, ये रहा है रहा है डिवाइडेड दिस अ सीरियल पार्ट को, formula, और इसका हम करने में भी करते हैं इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से समझेंगे जिसमें प्रॉपर प्रूफ से आपको ये क्लियर हो जाएगा ओके सो दिस फॉर्मूला इज अमडल लॉ नाउ प्रूफ ऑफ़ एमडल्स लॉ ठीक है जो अभी हमने इससे पहले फॉर्मूला देखा उसे हम प्रूफ करेंगे ठीक है ये एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ठीक है ये शो हो रहा है कि अगर सिंगल प्रोसेसर है और एक हमारे पास प्रॉब्लम है तो उसे हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है एक उस प्रॉब्लम का सीरियस सेक्शन है और दूसरा उस प्रॉब्लम का पैरलाइजेबल और सिंपली अगर बोले तो पैरल सेक्शन है ओके okay? सो पैल सेक्शन मीन्स ये पैलल सेक्शन को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया बिकॉज ये कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं बट अगर सिंगल प्रोसेसर है तो सिंगल प्रोसेसर को तो ये सारा का सारा टास्क सिक्वेंशली ही परफॉर्म करना पड़ेगा ओके तो सिंगल प्रोसेसर अगर एग्जीक्यूट करेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा इट विल टेक टी एस टाइम हम डिनोट करेंगे टी एस टाइम नाउ टी एस हम सिंगल प्रोसेसर में जितना टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट करने में उसे टी एस कह रहे हैं एंड मल्टीपल प्रोसेस मीन्स पैलल कंप्यूटर्स में अगर सेम टास्क को परफॉर्म करने में जितना टाइम लग रहा है उसे हम टी पी कह रहे हैं सो इफ द फ्रैक्शन ऑफ कंप्यूटेशन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन सीरियल इज एफ सो अगर सीरियल सेक्शन जिसे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसे हम कहेंगे एफ और जो बाकी बच गया है जिसे हम पैलल सेक्शन बोल रहे हैं ठीक है हम उसे इंडिकेट करेंगे वन माइनस एफ अगर ये पूरा वन है और ये एफ है तो इस पूरे में से वन में से एफ माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बच जाएगा वन माइनस एफ ठीक है और टाइम को टी एस तो दिस इज एफ टी एस बिकॉज ये सीरियल सेक्शन का टाइम हो गया और ये पैरल सेक्शन का टाइम हो गया वन माइनस एफ टी एस ओके सेम चीज़ को अगर हम मल्टीपल प्रोसेस में एग्जीक्यूट करते हैं तो ये कैसे होगा ठीक है मल्टीपल प्रोसेस में क्या होगा सीरियल सेक्शन तो एज इट इज रहेगा बिकॉज सीरियल सेक्शन का हम कुछ नहीं कर सकते वो यहाँ भी सीरियली ही एग्जीक्यूट होगा बट जो कॉन्करेंट पार्ट्स हैं जिसे हम पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसे हम क्या करेंगे मल्टीपल प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ठीक है तो ये एक प्रोसेसर में एग्जीक्यूट होगा ये दूसरे प्रोसेसर में एग्जीक्यूट होगा एंड सो वन बाकी जो कॉन्करेंट पार्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे मल्टीपल प्रोसेस में और पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे ओके सो so, इस कंप्लीट टाइम को हम कह रहे हैं टी ऑफ पी ओके मल्टीपल एन प्रोसेस में पैलल प्रोसेस में टाइम लग रहा है तो उसे कह रहे टी ऑफ पी ओके सो अब यही चीज़ अगर हम यहाँ देखें तो so ये हमारा वन माइनस एफ़ टी एस था ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ अगर हम इसे एन नंबर ऑफ प्रोसेस में एग्जीक्यूट करें तो क्या लिखेंगे वन माइनस एफ ऑफ टी एस डिवाइडेड बाई एन तो एन नंबर ऑफ़ प्रोसेस में ये पैलली एग्जीक्यूट होगा तो दिस पोर्शन इज इंडिकेटेड बाई वन माइनस एफ ब्रैकेट्स में टी एस डिवाइडेड बाई एन Okay. Now we So if the fraction of computation that can be executed in parallel is f, serial section, okay? and remaining computation that can be divided into concurrent parts and executed in parallel, that is one minus f, that is parallelizable section, then the time to perform the computation with single processor TS and multiple processor TP is given by लाइक दिस ठीक है सो ये जो टाइम लग रहा है सिंगल प्रोसेसर में ये कितना लग रहा है एफ टी एस प्लस वन माइनस एफ टी एस अब इसे सॉल्व कर लीजिए सो so, हमें मिलेगा एफ टी एस प्लस टी एस एंड माइनस एफ टी एस जिसमें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा टी एस तो हम सिंपली अगर बोलें तो सिंगल प्रोसेसर या वन प्रोसेसर में कितना टाइम लग रहा है टी एस टाइम लग रहा है और मल्टीपल प्रोसेसर की बात करें टी पी ठीक है इसमें कितना टाइम लगेगा एफ टी एस इस पोर्शन को हम यहाँ पे भी एफ टी एस ही कहेंगे एफ टी एस प्लस ये वाले कंप्लीट पोर्शन जो एग्जीक्यूट हो रहे वन माइनस एफ टी एस बाई एन एंड दिस इज गिवन बाई दिस तो दिस इज इंपॉर्टेंट टीपी की वैल्यू ये इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ग्रेटर दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वैल्यू ओके सो मल्टी प्रोसेसर में क्या हो रहा है जो सिंगल पार्ट है जो हमारे स्टार्टिंग में दिख रहा है ठीक है ये तो सीरियली एग्जीक्यूट होगा बट जो पैरल पार्ट है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं एन नंबर ऑफ प्रोसेस में जो कि पैरली एग्जीक्यूट होंगे ओके okay? ना यहां हम देखते हैं अब ओवरऑल स्पीड ऑफ फैक्टर जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा उसके थ्रू ही हम फॉर्मलेज निकालेंगे सो वीनो की स्पीड अप को हम कैसे डिफाइन करते हैं सीरियल एग्जीक्यूशन टाइम टी ऑफ वन मीन मीन सिंगल प्रोसेसर में एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लग रहा है डिवाइडेड बाई मल्टीपल एन नंबर ऑफ प्रोसेस में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लग रहा है दैट इज़ टी ऑफ एन सो हम यहाँ पे इसे इंडिकेट कर रहे हैं टी ऑफ एस एंड टी ऑफ पी से तो दिस इज़ अ सीरियल एग्जीक्यूशन टाइम ऑन सिंगल प्रोसेसर एंड दिस इज़ पैरेलल एग्जीक्यूशन टाइम ऑन एंड मल्टीपल प्रोसेस ठीक है सो अब हम इसमें वैल्यूज़ रखेंगे एस ऑफ एन इक्वल्स टू वी नो टी एस बाई टी पी एंड हमें मालूम है स्पीड ऑफ हमेशा लेस देन वन होता है बट यहाँ पे हम वन की जगह क्या ले रहे हैं हमारा टी एस क्या है हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में हमारा टी एस टी ऑफ एस ही आ रहा है बिकॉज अगर हम सीरियल वाला निकालते भी हैं इसे कैलकुलेट भी करते तो हमारा टी एस ही आ रहा है एंड हमारा टी पी क्या है दिस वन तो यही हम वहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे सो दिस इज टी एस एंड डिवाइडेड बाई टी ऑफ पी क्या है एफ टी एस प्लस वन माइनस एफ ब्रैकेट्स है और टी एस डिवाइडेड बाई एन इसे हम सॉल्व कर लेंगे सॉल्व करने के बाद हमारा टी एस सब जगह से कॉमन निकलेगा और कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा वन डिवाइडेड बाई एफ प्लस वन माइनस एफ डिवाइडेड बाई एन और यही हमारा एमडल स् लॉक का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ठीक है अब इसमें ये जो एफ वाला पोर्शन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है ये इंडिकेट कर रहा है सीरियल पार्ट को ठीक है हमें मालूम था वीनो ये जो एफ वाला पोर्शन है ये हमारा सीरियल पार्ट है एंड ये हमारा जो वन माइनस एफ टी एस बाई एन है ये वाला हमारा पोर्शन क्या है पैरेलल पार्ट है सो so, लॉ इसे ही कहते हैं ओके सो दिस इज नोन एज एमडल्स लॉ इन विच एफ इज अ सीरियल पार्ट एंड वन माइनस एफ बाई एन इज अ पैरेलल पार्ट इसे हम फर्दर और भी सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा आप एन को यहाँ ऊपर ले आइए एल सी निकाल के और एन अगेन ऊपर भी ले आई तो एन डिवाइडेड बाई एन एफ प्लस वन माइनस एफ सो और अगेन आप इसे सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट एन डिवाइडेड बाई वन प्लस एन माइनस वन एफ सो दिस इज अ कम्प्लीट सॉल्यूशन एंड कम्प्लीट प्रूफ ऑफ एमडल्स लॉ विच वॉज द ओवरऑल स्पीड ऑफ फैक्टर विच इज गिवन बाई दिस इक्वेशन ओके नाउ इसके शॉर्ट कमिंग्स पे आते हैं वट आर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ एमडल्स लॉ वी नो की द वर्कलोड कैन नॉट स्केल टू मैच द अवेलेबल कंप्यूटिंग पावर एज अ मशीन साइज इंक्रीजेस ठीक है जैसे जैसे हम मशीन साइज इंक्रीज करते हैं हमारा वर्कलोड हम नहीं बढ़ा रहे हैं ठीक है हम वर्कलोड को फिक्स रखे हुए हैं सो so, इस वजह से क्या हो रहा है जो स्पीडअप है हमारा सेचरेट हो जा रहा है तो हेंज द फिक्सड लोड प्रिवेंट्स द स्केलेबिलिटी इन परफॉर्मेंस ठीक है एंड सिक्वेंशल की वजह से हमें और बॉटल नेक आ ही रहा है द सिक्वेंशल बॉटल नेक इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज हमें उस पर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा कि कैसे हम सीरियल पोर्शन को पैरल uh, फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है बिकॉज जब भी सीरियल पोर्शन रहेगा उसकी वजह से हमारा uh, दिक्कत होगा ही एमडल्स लॉ को हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं सपोज क्वेश्चन है सेवेंटी परसेंट ऑफ अ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन टाइम अकर्स इन साइड ए लूप दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन पैरल एंड रेस्ट थर्टी परसेंट इन सीरियल तो ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि सेवेंटी परसेंट ऑफ जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है जो कि लूप में एग्जीक्यूट हो रहा है सपोज वो पैरली एग्जीक्यूट हो रहा है और जो बचा हुआ थर्टी परसेंट है वो सीरियली एग्जीक्यूट होगा ठीक है देन वॉट इज द मैक्सिमम स्पीडअप वी शुड एक्सपेक्ट फ्राम अ पैरल वर्जन ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग ऑन एट सी पी यूज़ तो कितना मैक्सीम स्पीड अप हो सकता है अगर हम सेम यही प्रोग्राम को एट नंबर ऑफ सी पी यूज में एग्जीक्यूट करते हैं ठीक है तो वी नो दिस फार्मूला और ये क्या बता रहा है हमारा पैरल पोर्शन सेवेंटी परसेंट है और सीरियल पोर्शन थर्टी परसेंट है तो हमें एफ के थ्रू करना है एंड वॉट इज दिस एफ एफ इज द सीरियल पोर्शन तो एफ की वैल्यू को ही हमें यूज करना है ठीक है सो हमारा एफ हम पुट कर देंगे थर्टी परसेंट मीन्स यहाँ पॉइंट थ्री जीरो रखेंगे प्लस वन माइनस एफ क्या है पॉइंट थ्री ज़ीरो एंड डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल्स टू एट नंबर ऑफ प्रोसेस आठ हैं तो इसे सॉल्व करने के बाद वन बाई 0.3875 थ्री एंड यू विल गेट टू 2.6. इट मींस 2.6 टाइम्स आपको स्पीड अप मिलेगा अगर आप सेम प्रोसेस को सिंगल प्रोसेसर की बजाय एट नंबर ऑफ सीपीयूज़ में पैरेलली एग्जीक्यूट करेंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम 70 परसेंट से पैरेलल पोर्शन को बढ़ा देते 80 परसेंट में और रेस्ट 20 परसेंट बच जाता है सीरियल तब कितना होगा स्पीड अप बढ़ना चाहिए बिकॉज हम पैरल पोर्शन इंक्रीज कर दिए हैं ओके सो उस केस में हमारा सीरियल पोर्शन कितना है अभी 20 परसेंट इट मीन्स हम एफ की जगह यहां पॉइंट टू जीरो रखेंगे एंड प्लस वन माइनस पॉइंट टू जीरो डिवाइडेड बाई एट एंड सॉल्व करने के बाद वी विल गेट द 3.3 इट मीन्स पहले था 2.6 अब कितना हो गया 3.33 पॉइंट थ्री थ्री मीन्स गेन हुआ सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम पैरल पोर्शन को रखते हैं नाइन्टी ठीक है 95%. क्वेश्चन वही है सिर्फ हम परसेंटेज चेंज कर रहे हैं अगर पैल पोर्शन को हम रखते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट और सीरियल पोर्शन बच जाता है फाइव परसेंट उस केस में हमारा मैक्सिमम स्पीडअप कितना जाएगा एट नंबर ऑफ सी के साथ सो फाइव परसेंट है इट मीन्स पॉइंट जीरो फाइव एफ की वैल्यू हो गई एंड वन माइनस एफ इज़ वन माइनस पॉइंट जीरो फाइव डिवाइडेड बाई एट एंड अप्रॉक्सीमेट फाइव पॉइंट नाइन परसेंट तक के स्पीडअप जाएगा ठीक है अब इससे ज़्यादा स्पीडअप नहीं जा सकता इसमें बिकॉज अब फाइव परसेंट सीरियल है हंड्रेड परसेंट तो कोई भी प्रोग्राम पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता बिकॉज उसमें कुछ ऐसे पोर्शंस होते ही हैं जो सीरियली एग्जीक्यूट होंगे तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा ये एक सेचुरेशन uh, पॉइंट है जिसके आगे हम और ज़्यादा स्पीड या स्पीड अप नहीं बढ़ा सकते ओके सो दिस इज कंप्लीट डिटेल वीडियो ऑन एमडल्स लॉ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर कर ले और न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर प्रेस कर ले और शेयर भी करें थैंक यू